Hey guys, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और अभी रात के बज रहे हैं 10 और आज सैटरडे है। पता नहीं ये व्लॉग कब एडिट होके पड़ेगा, इसलिए अभी बता देते हैं कि सैटरडे है आज। रात के 10 बजे व्लॉग शुरू किया है सब। थर्सडे का व्लॉग आई थिंक आज हम डालेंगे। थर्सडे बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। देखो प्रोसेसिंग चालू है, झूठ नहीं बोलते हम। देखो अभी व्लॉग एडिट कर रहे हैं, आज मिल जाएगा वो। और पता नहीं सैटरडे का कब मिल जाएगा। और बहुत कुछ हुआ थर्सडे हमारे साथ, वो सब उस व्लॉग में है। और आप ही सोचिए, व्लॉग हम अभी 10 बजे शुरू कर रहे हैं, वो भी रात के 10 बजे से व्लॉग शुरू किया। अभी टाइम मिला है हमें, दिन भर हम बिजी थे ये ऑफिस और मैं माओ के साथ और घर का काम, और शाम को आने के बाद एडिटिंग और माओ, ये दो इन्होंने संभाला। तब तक मैंने कुकिंग किया। इस तरह से दोनों मिला के चला रहे हैं क्योंकि मम्मी जो है वो चली गई है गाँव। मम्मी थी तो थोड़ा बहुत बेबी को संभालती थी, माओ को तो थोड़ी आसानी होती थी, लेकिन अभी मम्मी चली गई है गांव। जाना है उनको वहां पे यात्रा कहते हैं मराठी में, मेला होता है, एवरी ईयर होता है। तो हमारे घर के सारे, मतलब हमारी जितनी भी बड़ी फैमिली है, रिलेटिव्स वगैरह सब जाते हैं गांव, और वहां पे सब मिलके फेयर सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मेला जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सब मिला के खाना बनाते और घूमने जाते हैं, मेला घूमते वगैरह, भगवान की पूजा वगैरह करते हैं। कौन सा भगवान वहाँ पे, ग्राम देवता है, ग्राम देवता है। उसकी उस देवता की यात्रा है, मतलब मेला है। मेरा गांव पूना में है, पूना में बारामती, बारामती में छोटा सा गाँव है, खुद ऐसा नाम है। तो हमारे दो गांव थे, एक कालाटी नाम का गांव था, उधर पानी की प्रॉब्लम थी तो हम थोड़े शिफ्ट हो गए उस गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। तो जो गांव छोड़ा था वहां पे वो यात्रा होती है। तो मम्मी और पापा दोनों भी जाएंगे। गांव में ठंड बहुत है इसलिए बेबी को नहीं लेके जा रहे हैं। बेबी बहुत छोटी है ये, और वहाँ पे बहुत ठंड होती है, और इसलिए और ट्रैवल हमें भी हो नहीं पाता है। बेलगाम जाके हमने देखा है एक बार, फिर भी चलो ठीक है, कार से गए थे और कार से आए थे, लेकिन अभी ट्रेन, पता नहीं ये ट्रेन में किस तरह से रिएक्ट करेगी क्योंकि अभी तक ये ट्रेन से गई नहीं है कहीं पर। और रात का अगर सफर रहा तो पता नहीं रात को रोएगी वगैरह, तो दूसरों को भी परेशानी होती है जो ट्रैवल करते हैं लोग उनको। और हमें पता भी नहीं है कि ये ट्रेन में किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो हमने सोचा कि इस साल रहने देते हैं, नेक्स्ट साल वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम उसे लेके जाएंगे। तो इसलिए हम नहीं गए, और मम्मी चली गई है। आई थिंक मम्मी अभी 10-15 दिन के बाद आएगी, और तब तक पता नहीं यहाँ आएगी या अपने घर जाएगी। तो अभी हमें बेबी को अकेले ही संभालना है। तो आज दिन भर हमने दोनों ने मिल के उसे संभाला, काम भी और बेबी को भी इस तरह से मेंटेन रखा। और अभी वो सो गई, ये इसका सोने का टाइम है। अभी ये सो गई तो मिडनाइट उठती है 2-3 बजे, और अभी 12 बजे सो गई तो डायरेक्टली सुबह मॉर्निंग ही उठती। बेबी तो हम सोच रहे हैं कि मतलब वो पहले यहाँ पे थी तब वो 12 बजे सोती थी और सुबह ही उठती थी, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock वगैरह। और घर का काम था इसलिए हमने उसे चाची के पास भेजा, तो चाची उसे 10:30 को सुलाती थी और वो 3 बजे रात को उठती थी, फिर दूध पी के फिर सोती थी और सुबह उठती थी, ऐसा उसका शेड्यूल अभी हो गया है। तो कल भी वो इसी तरह से उसने फॉलो किया, आज भी अभी वो सो गई है तो पता नहीं रात को उठेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे 12 बजे फिर से उठाऊंगी, उसे दूध दूंगी और फिर से सुलाऊंगी, तो डायरेक्टली सुबह उठ जाएगी। तो इस तरह से अभी हम मैनेज करेंगे क्योंकि हमें भी नींद लेना ज़रूरी है क्योंकि दिन भर हम सोते नहीं हैं। और हम माओ को फ्राइडे लेके आए थे, थर्सडे काम हुआ, रात को 1 बजे तक हमने सर्व किया साफ सफाई, और फ्राइडे मॉर्निंग हम जाकर उसे लेके आए
और उसके बाद में जो बर्तन वगैरह थे वो साफ किया हमने, क्योंकि वहाँ पे भी सब धूल मिट्टी पड़ गई थी बर्तन पर, तो सारे बर्तन हमने धो दिए। और अभी हम फ्री हो गए काम से, अभी हमें सिर्फ बेबी को संभाल के घर संभालना है, इतना ही। और फर्स्ट क्राई से, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट क्राई से कुछ शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाना चाहती है, उसमें चाहती हूँ। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगा कि लेनी चाहिए, तो मैंने एक ट्रायल के लिए लिया, उसका ट्रायल भी मैंने देखा। मैंने ऐसे भी चाहती तो उसी ब्लॉग में आपको दिखा देती, लेकिन मुझे वो चीज़ यूज़ करके देखनी थी। और उसके बाद में कोई भी चीज़ लेती हूँ तो उसका मैं खुद पहले रिव्यू करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो ही मैं दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया अभी। तो मिलते हैं कुछ देर बाद। फ्रेंड, सबसे पहले मैंने ये नेट लिया है, क्योंकि माओ का जो बिस्तर है उसे अब कम पड़ रहा है, क्योंकि उसकी हाइट जो है बढ़ गई है, और उसकी जो उसका जो गद्दा था उसे ही नेट उसकी अटैच थी पहले बिस्तर को, तो अब उसे वो कम पड़ रहा है उसकी हाइट बढ़ने के कारण। तो हम अभी उसे ब्लैंकेट पर ही रखते हैं, ब्लैंकेट डाल के, तो मच्छर ना काटे इसलिए मैंने ये नेट की जाली ली है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। और इसे इस तरह से, यहाँ पे एक चाबी है जो इस स्लॉट में डालने पर ये लॉक हो जाता है। अगर मैंने इसकी चाबी ये निकाल दी, और फिर ये छाता जैसा होता ना, सेम छाते की टाइप में है, इसे दबाने पर ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है छाते की तरह। मैं हमेशा इसे रोमपर लेती हूँ, कभी मैंने फ्रॉक लिया ही नहीं इसे, तो मैंने सोचा कि घर डालने के लिए इसे इस तरह के फ्रॉक ले लो। और ये दो का पेयर था, कलर चॉइस नहीं थी, जो कलर था वही मुझे लेना पड़ा, तो मैंने ये दो कलर लिए हैं। और इस तरह से इसे इलास्टिक है, फ्री साइज है ये, और पतला है, तो इसे मतलब दिन में डालने के लिए अच्छा है, क्योंकि मुंबई में ऐसे भी गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए मैंने ये लिए फ्रॉक। तो मैंने ये बूटीज का सेट लिया है, ये तीन कलर के बूटीज का एक ही सेट था, और मैंने इसे पहले भी तीन चार बूटीज मिटन का सेट लिया है, इसे कम पड़ जाते हैं, इसे दिन में मिटन और बूटीज तीन चार पेयर लगते हैं, तो इसलिए मैंने, और एक बूटीज अभी कम पड़ रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने ये ले लिए, ये तीन का पेयर है। और हगीज, और ये मैंने 5 kg के दो लिए हैं, दो पैक लिए हैं, एक मैंने खोला है तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं, और ये एक पैक है। और अभी इसका वेट 5 से ऊपर हो जाएगा आई थिंक, लगभग हो भी गया होगा। 1 month से पहले वो 4.5 थी, अभी 1 month में शायद 5 के ऊपर गई होगी, तो ये बाद में इसे नहीं आएंगे। और ये दो पैकेट है, इसे ख़त्म होने में आई थिंक 1 month 1.5 month या 2 month लग जाएंगे, इसलिए मैंने इसके बाद ये इसे नहीं आएंगे। तो मुझे और भी मतलब बड़ा साइज सर्च करना था, तो मैंने पहले ट्रायल के लिए हगीज से ही up to 7 kg के स्मॉल साइज मंगवाए हैं। ये 5, इसमें 22 pieces होते हैं, और ये डायपर टाइप में मैंने लिया है। और मैंने ये ट्रायल के लिए मंगवाया है, हगीज का ही है, 7 kg का। अगर अच्छे आए तो इसमें बड़ा पैक मंगवाऊंगी, इसलिए मैंने छोटा सा ट्रायल पैक लिया है। और बेस्ट पार्ट, सबसे बेटर मेरी शॉपिंग, मैंने ये क्लोथ डायपर लिया है, रीयूजेबल है, इसे धोकर हम यूज़ कर सकते हैं, तो डायपर से छुटकारा। तो ये पिंक कलर में है, बेबी हग कंपनी का लिया है। तो ये शॉपिंग मैंने फर्स्ट क्राई से की है। अगर आपको इसका रिव्यू जानना होगा तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, कि इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, इसे किस तरह से धोना है वगैरह, सब मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, छोटा मोटा से वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।